अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर राहुल। आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर। एक्चुअली इस टॉपिक के अंदर आपको बताने जा रहे हैं कि कार्बन के कंपाउंड की जो है वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है और ये तादाद में भी इतने ज़्यादा है, इसकी क्या वजह है। तो शुरू इस तरह से करता है कि इस वक्त तक 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। 118 एलिमेंट्स इस वक्त तक डिस्कवर हो चुके हैं, आपने 9th में पढ़ा है। तो अकेले कार्बन के कंपाउंड्स की तादाद 10 मिलियन से भी ज़्यादा है, 10 मिलियन से भी ज़्यादा है। इसके मुकाबले में बाकी 117 एलिमेंट्स के कंपाउंड मिला के भी इसके बराबर नहीं हो पाते। फिर बात को आगे बढ़ाते हैं कि ऐसा इसको कौन से सुझाव के पर लगे हमें, ऐसी कौन सी खास बात है, ऐसी क्या खसूसियत है इसमें जो ये इतने ज़्यादा कंपाउंड इसके जो हैं दुनिया में वैरायटी के लिहाज से भी और तादाद के लिहाज से भी एग्जिस्ट करते हैं। तो थोड़ा रिसर्च करने में पता चला कि ऐसा कंपाउंड जो है उसके अंदर कम अज़ कम ये दो शर्तें जो हमको उसे पूरा करना चाहिए कि पहली बात यह कि उसकी वैलेंसी जो है वो दो या ग्रेटर दैन इन टू, या टू और ग्रेटर दैन टू होनी चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि वह जो बॉन्ड बनाता है दूसरे एटम्स के साथ, यानी वो दूसरा एटम कार्बन का भी हो सकता है और कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, तो जो बॉन्ड वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बनाए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हों उन बॉन्ड की निस्बत जो वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ, स्पेशली जो वो ऑक्सीजन एटम के साथ बनाता है। तो इन शरायत को देखते हुए फिर हमने इसको कंपेयर किया इसी के अपने ग्रुप के एक दूसरे एलिमेंट सिलिकॉन के साथ। तो सिलिकॉन जो है वो पहली शर्त तो पूरी करता है कि इसकी वैलेंसी भी मोर देन टू है, इसकी वैलेंसी फोर है, तो पहली शर्त फुलफिल करता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो दूसरी शर्त भी पूरी करता है। तो इस तरह दूसरी शर्त में हम ये देखेंगे कि कार्बन जो अपनी टेट्रा वैलेंसी पूरी करता है, तो अगर वो ऐसा कार्बन जो दूसरे कार्बन के साथ मिलकर कर रहा है तो उसके बॉन्ड एनर्जी 355 किलो जूल पर मोल होती है। और अगर ये काम सिलिकॉन कर रहा है दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ मिलकर तो उसके बॉन्ड एनर्जी 200 किलो जूल पर मोल। और अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये जो बॉन्डिंग करते हैं उसकी क्या सूरत है। तो सिलिकॉन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी 452 किलो जूल पर मोल है, जो खुद सिलिकॉन सिलिकॉन एटम जब बनाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा है। उसके मुकाबले में कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रही है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी 351 किलो जूल पर मोल है। और यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें कार्बन कार्बन वाले के साथ तो ये उससे मिकदार में क्वांटिटी में कम है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों शर्त पर पूरा उतर है, इसकी वैलेंसी भी दो से ज्यादा है और ये जो बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम आपस में बनाते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं उन बॉन्ड्स की निस्बत जो वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ बनाते हैं। अब हम इसकी दूसरी रीजन, पहली रीजन हमने देख ली कि कार्बन जो है वो कैटिनेशन करता है। कैटिनेशन का मतलब होता है कि आप बड़े बड़े जो है वो चेन्स और लंबी लंबी चेन्स और बड़े बड़े रिंग्स बनाना। तो कार्बन हैज दिस यूनिक प्रॉपर्टी टू मेक लार्ज चेन्स एंड लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग्स बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, कि इसकी वैलेंसी दो या दो से ज़्यादा होती है और इसकी बॉन्ड एनर्जी जो कार्बन कार्बन एटम जो बॉन्ड बनाते हैं उनकी ज़्यादा होती है उनकी निस्बत जो ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं। अब हम इसकी दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी जो शर्त है जिसकी वजह से, या दूसरी रीज़न जिसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इसका मतलब ये होता है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले जो हैं वो सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूले जो हैं वो डिफरेंट हो उनको हम आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेनन को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये सूरत हाल हम एग्जामिन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जाम्पल देकर पेंटेन की। तो ये पहली सूरत में आप देख रहे हैं कि इसके पांच कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में अरेंज है। इसको हम नाम देते हैं नॉर्मल पेंटेन।
ये एक इसका पहला आइसोमर है। दूसरे आइसोमर में आप देखें तो 4 कार्बन एटम स्टेट चेन में है जबकि एक कार्बन एटम जो है वो चेन बना रहा है। तो इस तरह से अगर आप इसके कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद गिने तो सेम वही तादाद है जो नॉर्मल पेंटेन में, लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट, तो इसका नाम फिर आइसोपेंटेन। इसी के तीसरी सूरत ऐसे भी हो सकती है कि इसमें 3 कार्बन स्टेट चेन में और 2 जो है उसके ऊपर ब्रांच चेन लगे हुए हों। तो ऐसे में भी अगर आप इसके कार्बन हाइड्रोजन काउंट करें तो कार्बन हाइड्रोजन एटम्स की तादाद वही है जो नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन में है। एक कोई चीज डिफरेंट है तो वो उसकी अरेंजमेंट ऑफ एटम है। लिहाजा कंपाउंड्स और सेट ऑफ आइसोमर्स इफ दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूले। और स्टूडेंट ये चीज हमने कार्बन के अंदर मुशाहदा किया है कि जितने कार्बन एटम की तादाद चेन में बढ़ती जाती है उतने ही उसके आइसोमर्स की जो है वो तादाद में इजाफा हो जाता है। तो ये दूसरी वजह है जिसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड्स की तादाद और वैरायटी इस कदर ज्यादा है। तीसरी बात जिसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड तादाद में ज्यादा होते हैं वो है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन एटम। तो कार्बन एटम बजाते खुद एक छोटा सा एटम है जिसके टोटल 5 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पहले शेल में और 4 दूसरे शेल में। तो छोटा साइज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। इस तरह से जो कार्बन एटम जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है चाहे वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बनाए, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ बनाए, चाहे वो नाइट्रोजन के साथ बनाए, सल्फर के साथ हो, ठीक है जी, हैलोजन्स के साथ हो, वो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये तीसरी वजह है जिसकी वजह से कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी वैरायटी भी और उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो चौथी वजह जिसकी वजह से आप कहते हैं कि ये न्यूमरस है वो है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब होता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की सलाहियत। तो आपने स्टूडेंट फर्स्ट बुक में पढ़ा है कि कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है दूसरे कार्बन एटम के साथ, डबल बॉन्ड के साथ भी अटैच हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी। तो ये चौथी वजह है जिसकी वजह से इसमें वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है इसके कंपाउंड्स के अंदर और तादाद भी। अब एक छोटी सी एग्जाम्पल देखते हैं 2 कार्बन एटम पर मुश्तमिल कंपाउंड्स की। जब कार्बन जो है ये 2 एटम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हों, H3C सिंगल बॉन्ड CH3 इसको हम जो है वो इथेन कहते हैं। तो ये इसी तरह से अगर यही 2 कार्बन एटम डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाए तो फिर एक और कंपाउंड बन जाता है इथीन, और यही 2 कार्बन एटम अगर ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाए तो फिर इथाइन बनता है। और इन तीनों कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको कोई बात समझ ना आई हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट जो है लेसन आपके पास टाइमली पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।